फरीदाबाद के अरावली पर्वत क्षेत्र के अंदर जो है वो महाराजा अनंगपाल की छतरी मिली है, और इसी को लेकर के आज खुद सांसद साहब जो 6 बार सांसद रह चुके हैं वो यहाँ पे पहुँचे थे, उन्होंने खुद जान की थी। क्षत्रिय समाज के जो अध्यक्ष हैं राजाराम ठाकुर, वो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं आखिर किस तरीके से वो देखते हैं। ठाकुर साहब, आज एक बड़ी खोज आप लोगों की तरफ से की गई है, पुरातत्व विभाग वहाँ पर पहुँचा हुआ था, क्या मानते हैं किस तरीके से? नहीं, ये अभी हमारे पिछले हफ्ते दिल्ली के अंदर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, उसमें महाराजा अनंगपाल तोमर द्वितीय उन्होंने दिल्ली को बसाया था, उसके आसपास जो सभी एनसीआर क्षेत्र में उदाहरण के तौर पर अनंगपुर गांव, अपने जो राजा महाराजा थे हमारे अनंगपाल तोमर जी, अनंगपुर गांव के ऊपर जो ये बांध है अभी जो सब आपने देखा, अभी सारा कुछ छतरी है ऊपर, ये सारे जो पुराने सारे ये उनके जो है ये मतलब उनके पुराने रीति रिवाज थे, पुराने तत्व हैं जो ये सारा के सारा ये पूरा तत्व विभाग इसकी पूरी छानबीन कर रहा है, और सारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो छानबीन कर रहे हैं, सारे इसमें जो तत्व मिले हैं ये सारे तत्व जो राजा अनंगपाल जी ने ही, जो राजा महाराजा थे उन्होंने ही दिल्ली को बसाया था, जो आसपास के उनमें उन्हीं का राज था, उन्होंने मुगलों को यहाँ से भगाया था, और हमारे देश और प्रदेश के ऊपर राजा महाराजा अपने अनंगपाल तोमर जी का पूरा ही अपने जो 36 बरादरी के वो राजा सभी का होता, राजा एक बरादरी का होता नहीं, तो उन्होंने 36 बरादरी का उद्धार किया और अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण नौछावर कर दिए। ब्रजभूषण जी भी आज पहुंचे थे यहाँ फरीदाबाद, क्या उम्मीद है अब आप लोगों को कि फरीदाबाद वासियों को कितनी एक नई चीज़ मिल पाएगी? नहीं, ब्रजभूषण जी जो MP है, 6 बार MP रहे हैं और राष्ट्रीय ओलंपिक कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारा कुछ जो इसमें ये सारा देख रेख कर रहे हैं, MP साहब की देख रेख में सारा कार्यक्रम चल रहा है, और जो तरुण विजय सिंह जी हैं जो पुरातत्व के भारत सरकार के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, उनके देख रेख में, दोनों के देख रेख में ये सारा कार्यक्रम चल रहा है, और जल्दी ही इस पर भारत सरकार निष्कर्ष लेगी और ये एक राष्ट्रीय धरोहर के रूप में इससे जो स्मारक का इसका नॉमिनेशन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं फरीदाबाद वासियों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है वो फरीदाबाद वासियों के लिए मिलने जा रही है, और इसी तरीके से जो महाराजा अनंगपाल की छतरी का जो है वो जीवनाधार के लिए भारत सरकार की तरफ से काम किया जाएगा, खुद आज MP साहब यहाँ पे पहुँचे थे, और अब ये लगातार ये बात जो है वो ऊपर आला कमान तक पहुँचाई जाएगी, और इसके बाद कहीं ना कहीं फरीदाबाद वासियों के लिए एक नया टूरिस्ट पैलेस शुरू हो जाएगा। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब के सिटी।